हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो पे 36 साइज डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो देखिए, मैं स्किन के ऊपर मेजरमेंट दे दिया हूँ। इसी मेजरमेंट से मैं 36 साइज के अस्तर वाले डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग बताऊंगी। अब हम सबसे पहले अस्तर वाले कपड़े को डबल फोल्ड करके रख लेना है इस तरह से। उसके बाद हमारे ब्लाउज की लेंथ 13 इंच है, तो बैक की पार्ट में हम प्लस 1 इंच ऐड करना है जो 14 इंच की होगा। तो हम लेंथ 14 इंच पे एक निशान देना है साइड और एक निशान देना है यहाँ पे, और आर्मल की निशान 5.5 इंच की लेना है। अब हम शोल्डर की लाइन को सीधी बना लेंगे। लाइन को बनाने के बाद हम शोल्डर की निशान लगाएंगे। तो शोल्डर हमारा 10.5 इंच की है, तो इसी का हाफ इंच पे एक निशान देना है जो 5.2 इंच की होगा। अब हम चेस्ट की निशान देंगे। तो चेस्ट हमारा 36 इंच की है, तो हम 36 इंच को 4 से डिवाइड करेंगे जो 9 इंच की आएगा। और यहाँ पे हम सिलाई के लिए 1.5 इंच या 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। मैं 1.5 इंच की एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है, आप चाहे तो 2 इंच ले सकते हैं। अब हम शोल्डर की निशान को आर्मोल की निशान के साथ सीधी लाइन बना लेंगे इस तरह से। तो देखिए, मैं यहाँ पे लाइन को बना लिया। अब बैक की पार्ट में हमने आर्मोल की राउंड यहाँ से 1.5 इंच पे निशान देंगे। आर्मोल लाइन को नाप के उसकी सेंटर निकालेंगे और सेंटर पे एक निशान दे के आर्मोल का गलाई की छेद दे देंगे इस तरह से। तो देखिए, मैं यहाँ पे आर्मोल की गलाई की छेद दे दिए हैं। अब हम गले की निशान देंगे। तो यहाँ पे हम गले की निशान 2.3 इंच पे देना है और गले की लंबाई 8.5 इंच पे एक निशान देंगे। उसके बाद हमने गले की नीचे की साइड 3 इंच पे निशान देनी है। अब उन निशानों को बक्स बना लेंगे हम। तो देखिए, मैं उन निशानों को बक्स बना लिया। और देखिए, यहाँ पे इस तरह से हम गले की छेद दे देंगे। अब हम वेस्ट का निशान देंगे। तो वेस्ट हमारी 32 इंच की है, तो हम 32 इंच को 4 से डिवाइड करना है जो 8 इंच की होगा। और यहाँ पे टॉप्स के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। हमने चेस्ट के लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था, तो यहाँ पे भी हम मार्जिन के लिए 1.5 इंच पे एक निशान लगा दिया। अब हम यहाँ पे टॉप्स के लिए वेस्ट का हाफ इंच पे एक निशान देनी है और यहाँ से ऊपर की तरफ 4 इंच लेनी है। अब हम उसकी लाइन बना लेंगे। लाइन बनाने के बाद जो मैं यहाँ पे 1 इंच टॉप्स के लिए एक्स्ट्रा ली थी, उसकी हाफ इंच इस तरह से डिवाइड करके निशान लगाएं। उसके बाद हम इस तरह से टॉप्स की मार्किंग कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे जो हम एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था उसको लाइन बना लेंगे। तो मैं यहाँ पे लाइन को बना लिया। अब हम बैक पार्ट को कटिंग कर लेना है। तो देखिए, मैं यहाँ पे बैक पार्ट को कट कर लिया हूँ। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पे एक कपड़े को डबल फोल्ड करके रख लिया है। उसके बाद हम बैक पार्ट को इसी कपड़े के ऊपर रखेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे बैक पार्ट को मार्किंग कर लेना है। हम पूरे साइड इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। हमने बैक पार्ट के लिए लेंथ 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो हम फ्रंट पार्ट में यहाँ से हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब हम यहाँ पे भी आर्मल की निशान 5.5 इंच पे देनी है। निशान देने के बाद उसको सीधी मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ पे जो हम इंच एक्स्ट्रा लिया था उसको भी सीधी मार्किंग कर लेना है। अब फ्रंट पार्ट की आर्मल की राउंड यहाँ से हाफ इंच डाउन करना है। उसके बाद हम आर्मल लाइन को नाप के उसकी सेंटर निकालेंगे और सेंटर पे एक निशान दे के आर्मल की गलाई का छेद दे देनी है। अब हम चेस्ट का निशान देंगे। तो चेस्ट हमारा 36 इंच के, उसको 4 से डिवाइड करेंगे जो 9 इंच की होगा। अब देखिए, यहाँ पे भी गले की चौड़ाई 2.3 इंच पे निशान देंगे और फ्रंट पार्ट में गले की लंबाई 5.7 इंच पे निशान देनी है। गले की नीचे की तरफ भी यहाँ से 2.3 इंच पे निशान देंगे। अब उन निशानों को सीधी मार्किंग कर लेना है। तो देखिए, मैं इस तरह से सीधी मार्किंग कर लिया। अब हम यहाँ पे गले की छेद दे देनी है। उसके बाद हम भी पट्टी के निशान देंगे। तो यहाँ पे हम 3.5 इंच लेना है और इसी साइड 2.5 इंच पे निशान दे देनी है। हमने 2.5 इंच निशान को सीधी लाइन बना लेंगे। अब बैक की पार्ट में वेस्ट का निशान जितना लिया है, फ्रंट की पार्ट में भी इतना ही निशान देंगे। तो मैं यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगा दिया और बैक की पार्ट में 1 इंच टॉप्स के लिए लिया था और एक्स्ट्रा मार्जिन 1.5 इंच की लिया है। अब यहाँ पे हम चेस्ट के निशान के साथ फिटिंग की मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से फिटिंग तक नाप लेते हैं और उसका सेंटर निकाल के सेंटर पे एक निशान दे देना है। अब यहाँ पे हम सेंटर पॉइंट से 3.5 इंच निशान तक इस तरह से भी पट्टी की छेद दे देंगे। हमने चेस्ट के निशान 4 से डिवाइड करके 9 इंच लिया है, तो 9 इंच को हम 3 से डिवाइड करना है। अब देखिए, मैं यहाँ पे इस तरह से डिवाइड कर लिया तो 3 इंच की आता है। तो मैं फिटिंग लाइन की साइड
साइड से 3 इंच की निशान लगाऊंगी। अब हम और एक तरीके से यहाँ पे निशान दे सकते हैं। तो चेस्ट हमारा 36 इंच की है, तो 36 इंच को हम 6 से डिवाइड करेंगे जो 6 इंच की आएगा, और यहाँ से हम नाप लेंगे तो 6 इंच की होगा। अब हम गले की साइड यहाँ से ऊपर की तरफ 1 इंच पे निशान देंगे और इसी निशान को इसी तरह सीधी मार्किंग कर लेना है। अब जो मैं फिटिंग लाइन की साइड निशान दिया था उसका भी सीधी लाइन मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से ऊपर की तरफ 2 इंच पे निशान देनी है। अब हम 2 इंच की निशान को गले की निशान के साथ इस तरह से मिला के कटोरी की राउंड बना देंगे। अब हम फ्रंट पार्ट को कट कर लेना है। तो देखिए मैं यहाँ पे तीनों पार्ट को कट कर लिया है। ये जो हमारा कटोरी निकली है इसी कटोरी से हम दोनों कटोरी निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम ऊपर की तरफ पार्ट 1 और नीचे की तरफ पार्ट 2 कटोरी को निकालना है। तो मैं हुक पट्टी की साइड यहाँ से ऊपर की तरफ 1.5 इंच पे निशान दूंगी। निशान देने के बाद इस तरह से सीधी लाइन बना देनी है। अब उसको हम कट कर लेंगे। तो देखिए मैं दोनों कटोरी को इस तरह से कट कर लिया है। अब हम दोनों कटोरी को बड़ा करना है। पहले हम पार्ट 1 कटोरी का बड़ा करना है, तो मैं इसी कपड़े को डबल फोल्ड करके रखा है। अब ये कटोरी को हम उस कपड़े को ऊपर रख लेना है इस तरह से। उसके बाद कटोरी की पूरे साइड ड्रॉ कर लेंगे। अब ऊपर की साइड यहाँ पे 0.5 इंच पे निशान देंगे और एक निशान इस साइड 0.4 इंच पे निशान देना है। उसके बाद हम नीचे की साइड यहाँ पे 1 इंच लेना है, इसी साइड भी 1 इंच पे निशान दे देनी है। अब हम उन निशानों को इस तरह से जोड़ लेंगे। निशानों को जोड़ने के बाद हम इसी लाइन को नाप लेते हैं और उसी का सेंटर पॉइंट निकाल के सेंटर पे एक निशान दे देनी है और एक निशान पॉइंट की नीचे की तरफ 1 इंच पे निशान दे देंगे और यहाँ पे दोनों साइड सीधी मार्किंग कर लेना है। तो देखिए मैं सीधी मार्किंग कर लिया है। अब हम पार्ट 1 कटोरी की कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए मैं कटोरी की कटिंग कर लिया है। तो इसी कटोरी का लंबाई यहाँ पे नाप लेना है जो 8 इंच की होगा। और ये देखिए मैं इसी कपड़े को डबल फोल्ड करके रखा है पार्ट 2 कटोरी को कट करने के लिए। तो हमने इसी कपड़े के ऊपर लंबाई 8 इंच की निशान देंगे। इस साइड और एक निशान देना है 8 इंच पे और चौड़ाई 3 इंच पे निशान देनी है। निशान देने के बाद हम उसको बॉक्स बना लेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे इस तरह से बॉक्स बना लिया। अब हम ऊपर की तरफ लाइन को नाप लेंगे और उसका 0.5 इंच पे एक निशान दे देनी है। अब यहाँ से ऊपर की तरफ 0.5 इंच पे निशान देंगे और एक निशान नुक पट्टी की साइड 0.5 इंच पे निशान देना है। अब हम दोनों साइड सीधी लाइन बना लेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ लाइन को नाप लेना है और उसकी सेंटर निकाल के सेंटर पे एक निशान दे देंगे। हमने यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब मैं सेंटर की दोनों साइड टॉप्स के लिए 0.5 इंच पे निशान लगाया और टॉप्स की सीधी मार्किंग कर लेना है। अब मैं पार्ट 2 कटोरी की कटिंग कर लूंगी। तो देखिए यहाँ पे कटोरी की कटिंग कर ली है। अब मैं स्लीव की कटिंग बताऊंगी। तो पहले हम इसी कपड़े को डबल फोल्ड करके रख लेंगे। उसके बाद हम स्लीव की लेंथ का निशान लगाएंगे। तो स्लीव लेंथ हमारी 3.5 इंच की है, तो हम +1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है जो 4.5 इंच की होगा। यहाँ पे जो हम 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके लिया है तो उसी का 0.5 इंच ऊपर की साइड पे निशान देंगे और एक निशान नीचे की साइड 0.5 इंच पे निशान देना है। तो ये 0.5 इंच हमारा सिलाई में जाएगा। अब निशान को सीधी लाइन बना देनी है। उसके बाद ये जो हमारे कटोरी की साइड है उसका आर्मोल की राउंड को फिटिंग की मार्किंग तो इसी तरह से नाप लेंगे तो 8.5 इंच की होगा। अब देखिए यहाँ से नीचे की तरफ 2 इंच पे निशान देंगे तो 2 इंच की निशान को सीधी मार्किंग कर लेना और यहाँ से भी 2 इंच की निशान देनी है। अब हम स्लीव की आर्मोल का निशान 8.5 इंच पे निशान दे देंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। तो देखिए हम 2 इंच की निशान से आर्मोल की निशान तक इस तरह से छेद कर लेंगे। तो देखिए ये कर लिया। अब हम स्लीव की राउंड की निशान देंगे। तो स्लीव की राउंड हमारी 10.5 इंच की है, तो उसी का 0.5 इंच निकालना है जो 5.2 इंच की आएगा और 1.5 इंच मार्जिन लेना है। अब यहाँ पे आर्मोल की निशान के साथ लाइन बना देंगे। तो ये देखिए मैं लाइन को बना लिया और फ्रंट की साइड आर्मोल की राउंड 0.5 इंच अंदर की तरफ छेद दे देनी है। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारी स्लीव बनकर तैयार हो गया। अब हम स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद स्लीव को इस तरह से खोलेंगे और फ्रंट की साइड को कट करके निकाल देना है। तो देखिए मैं स्लीव को कट कर लिया। अब मैं ब्लाउज की पीस को कटिंग करूंगी। ये जो हमारा ब्लाउज की पीस है उसका सीधे साइड को अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करके रख लेना है। तो पहले हम ब्लाउज की पीस में स्लीव की कटिंग करेंगे। तो देखिए हमारी ब्लाउज की पीस में स्लीव के कपड़े शॉर्ट हो रहा है, उसको हम और कपड़े कैसे जोड़ना है
तो मेरे चैनल पे इसी का वीडियो अपलोड करके दे चुका हूँ और इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया हूँ, आप देख लीजिएगा। अब हम सभी पार्ट को ब्लाउज पीस की सीधे कपड़े को अंदर की तरफ रखते हुए डबल फोल्ड करके कट कर लेंगे। पीस को कट करते समय हम 2 इंच या 3 इंच छोड़ते हुए कट करना है। दीजिए, अब देखिए मैं यहाँ पे पीस की कपड़े को उल्टे साइड ऊपर की तरफ रख के अस्तर वाले सभी पार्ट को इसी कपड़े को ऊपर रख लिया हूँ। तो सबसे पहले हम स्लीव की सिलाई करना है। यहाँ पे हमारा स्लीव के कपड़े शॉर्ट हो रहा था तो मैंने उसकी और कपड़े दे के सिलाई कर ली है। अब हम स्लीव पे तुरपई पट्टी लगाएंगे। तो मैं तुरपई पट्टी की चौड़ाई 1.2 इंच की लिया है। अब देखिए यहाँ पे मैं हल्के हाथ से खींचते हुए सिलाई लगाऊंगी, इसी तरह से सिलाई कर लेनी है। देखिए अब तुरपई पट्टी को हम पलट के उसके ऊपर एक सिलाई दे देंगे। उसके बाद हम तुरपई पट्टी की इस साइड को फोल्ड करके एक सिलाई कर लेना है। तो मैं इसको फोल्ड करके सिलाई कर लिया। देखिए यहाँ पे तुरपई पट्टी का फोल्ड करके इस तरह से हाथ में हम सिलाई लगाएंगे। अब हम अस्तर कपड़े को पीस कपड़े के साथ सिलाई कर लेंगे। ये जो हमारे स्लीव पे पीस की कपड़े बचा है उसको हम कट कर देना है और इसी तरह दूसरे स्लीव को भी सिला लेंगे। तो देखिए हमारा दोनों स्लीव तैयार हो गया। अब हम बैक की पार्ट सिलाई करना है। तो बैक पार्ट को पहले हम अस्तर कपड़े और पीस कपड़े के साथ पूरे साइड सिलाई कर लेंगे। उसके बाद बचे हुए कपड़े को कट करके निकाल देना है। अब हम टॉप्स की सिलाई करना है। तो देखिए यहाँ पे फोल्ड करके 1/2 इंच पे सिलाई लगाएंगे और ऊपर की तरफ 4 इंच तक सिलाई दे देना है। बैक पार्ट की दूसरे साइड भी इसी तरह टॉप्स बना देंगे। तो देखिए मैं बैक पार्ट की दोनों साइड टॉप्स बना ली है। अब हम स्लीव में जैसा तुरपई पट्टी लगाया है बैक के पार्ट में भी यहाँ पे तुरपई पट्टी लगाएंगे। तो मैं इसका भी तुरपई पट्टी 1.2 इंच की चौड़ाई लिया है। तो देखिए मैं पट्टी को सिला लिया। अब मैं तुरपई पट्टी को पलट के उसके ऊपर एक सिलाई दे दूंगी। तुरपई पट्टी की इस साइड को भी फोल्ड करके सिला लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स मैं बैक पार्ट को सिलाई करके रेडी कर ली है। अब हम फ्रंट पार्ट को सिलाई करेंगे। तो पहले हम दोनों कटोरी को जोड़ना है। ये जो हमारे कटोरी है उसका सीधे साइड को इस तरह हम ऊपर की तरफ रखेंगे और इसी कटोरी का उल्टे साइड को ऊपर की तरफ रखना है। अब यहाँ पे कटोरी को एक साथ 0.4 इंच छोड़ते हुए सिलाई कर लेंगे। इसी तरह कटोरी को सिलाई कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने दोनों कटोरी को सिलाई कर लिया है। अब कटोरी की टॉप्स का सिलाई देंगे। तो कटोरी को इस तरह फोल्ड करके यहाँ पे हम 1/2 इंच की सिलाई देनी है और ऊपर की तरफ 1.5 इंच तक सिलाई लगाएंगे। उसी के ऊपर और एक सिलाई दे देनी है। इसी कटोरी को भी इसी तरह टॉप्स की सिलाई दे देंगे। अब दोनों कटोरी को पलट लेते हैं। तो देखिए मैं दोनों कटोरी को इस तरह तैयार कर ली है और ये हमारा दोनों कटोरी की साइड है। अब जो ये हमारा कटोरी की साइड है इसी कटोरी के ऊपर रखते हुए सिला लेना है और इसी कटोरी की साइड को भी नीचे की तरफ रखते हुए सिला लेंगे। साइड को सिलाई करने के बाद यहाँ पे हम बेल्ट की सिलाई करेंगे। तो हमने इसके ऊपर बेल्ट को कपड़े को रख लेते हैं और बेल्ट को हम इस तरह से सिलाई कर लेंगे। उसके बाद दूसरे साइड का भी बेल्ट को सिलाई कर लेंगे। अब इसी बेल्ट की कपड़े को पलट के इसके ऊपर एक सिलाई दे देंगे। अब बचे हुए कपड़े को कट कर लेंगे। इसी तरह दोनों साइड के बचे हुए कपड़े को कट कर लेना है और बेल्ट की नीचे की तरफ तुरपई पट्टी की सिलाई कर देना है। तो देखिए मैं बेल्ट की दोनों साइड तुरपई पट्टी लगा दिया। अब हम हुक पट्टी लगाएंगे। तो हुक पट्टी को हम यहाँ पे सिला लेते हैं और उसको इस तरह यहाँ पे फोल्ड करके हल्के हाथ से खींचते हुए सिलाएंगे। इस साइड और एक सिलाई दे देना है। अब ये जो हमारे कपड़े बच जाता है उसको हम कट कर देंगे और दूसरे साइड हुक पट्टी को भी इस तरह सिला लेंगे। अब हम दोनों हुक पट्टी को पिन से जोड़ देना है। हुक पट्टी को जोड़ने के बाद हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की शोल्डर को एक साथ सिला लेंगे। इसी तरह मैं शोल्डर की सिलाई कर लिया। अब देखिए फ्रंट स्लीव को यहाँ पे हम सिलाना है। तो शोल्डर से आर्मल तक एक सिलाई कर लेंगे और दूसरे साइड भी शोल्डर से आर्मल तक सिलाई दे देंगे। हमने इसी साइड भी इसी तरह स्लीव को सिलाई कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मैं दोनों साइड स्लीव को सिलाई लगा के कंप्लीट कर ली है। अब हम फिटिंग की साइड यहाँ से स्लीव तक एक सिलाई कर लेंगे। दूसरे साइड भी और एक सिलाई दे देंगे। अब दोनों साइड बचे कपड़े को कट करके निकाल देनी है। तो देखिए फ्रेंड्स मैं कपड़े को कट करके निकाल लिया।
उसके बाद हम ब्लाउज को इस तरह पलट के फिटिंग की सिलाई दे देंगे। तो वेस्ट हमारा 32 इंच की है तो उसकी हाफ इंच पे दोनों साइड निशान दे देनी है। और स्लीव की राउंड 10.5 इंच की है तो उसी का हाफ इंच 5.2 इंच पे दोनों स्लीव में निशान लगाएंगे। अब हम दोनों साइड वेस्ट के निशान से स्लीव के निशान तक सीधी सिलाई कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे फिटिंग की सिलाई कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे गले की तुरपाई पट्टी की सिलाई करना है। अब हम गले की तुरपाई के लिए इसी कपड़े को फोल करके सिलाई कर लेंगे। पूरे साइड इस तरह से सिलाई कर लेते हैं। सिलाई करने के बाद हम यहाँ पे सिलाई को छड़ते हुए कट लगा देना है। उसके बाद इसी तुरपाई कपड़े को पलट के उसके ऊपर एक सिलाई दे देंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे पूरे साइड सिलाई लगा दिया। हमने गले की तुरपाई करने के बाद इस सिलाई को हम खोल देंगे और ये हमारा ब्लाउज बन के तैयार हो गया। और आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।